भाई और बहनों, मैं अभी अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। और जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहां पे ये बरेली भुज आला हजरत जमी आए दरबार में। इंशाल्लाह आप मेरे से मिलिए दरबार में, इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह आप लोगों से मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यूपी में अमरोहा नाम का ये शहर है, यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा। हमारे फैज मियां, अस्सलाम वालेकुम, हमें लेने आए हैं। चलो तौर पे हमें लेने आए हैं गाड़ी में पिक करने, ये हमारे दानिश मामू, ये हमारे साले साहब है, पहले ब्लॉग में भी देखा। बरेली का स्टेशन है और माशाल्लाह यहाँ पे एस्केलेटर की फैसिलिटी भी दे रखी है। रेली के पास ये फरीदपुर एक एरिया है जो 20 किलोमीटर दूर है और हम आए हैं शादी में। हमारे दरगाह है 9 अगस्त की जो दरगाह है, और यहाँ पे लोग ज्यारत के लिए भी आए हुए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह खेत के बीचों बीच ये दरगाह बनी है और माशाल्लाह इनका बुलावा है बाबा का, इसलिए हम पहुंचे। प्यारे भाई और बहनों, ये है 9 अगस्त पीर बाबा की दरगाह। माशाल्लाह मैं खुद पहली बार ऐसे दरगाह पे आया हूँ, तो इतनी लंबी मजार है। 9 अगस्त पीर, ये कितने साल पुरानी होगी? ये कम से कम ना तो मेरे ख्याल 2 साल पुरानी। दो हजार साल। एक तो माशाल्लाह 8 मीटर लंबी और एक माशाल्लाह ये 1 मीटर के अंदर ये है दरगाह। फरीदपुर और बरेली के बीच में जो रास्ता जाता है उसके यहाँ से ये रास्ता अंदर जा रहा है, ये रास्ता जो जा रहा है अंदर ये साइड में है। खेतों के बीचों बीच यहाँ पे माशाल्लाह दरगाहें बनी है काफी सारी यूपी के अंदर। तो जैसे मैंने आप, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देखिए हम लोग दरगाह शरीफ में आ गए हैं। यहाँ पे बूढ़े बाबा की दरगाह दिखा देते हैं। माशाल्लाह अभी बज रहे 5:05 और 5:05 में आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है। दादा मियाँ के नाम से भी ये मशहूर है यहाँ पे, काफी मैंने काफी लोगों से यहाँ पे सुना फरीदपुर के अंदर। उन्होंने 122 साल की इनकी उम्र में पर्दा किया था, इनकी उम्र 122 साल थी जब पर्दा किया। बहुत बढ़िया, गरम गरम ले लो अभी। तो अभी माशाल्लाह मगरिब की अजान हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बाई ट्रेन में जा रहा हूँ सफ़र के लिए, यूपी जा रहा हूँ, बरेली साइड जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर आप लोग को मैं वहाँ की दरगाहों की मैं ज़्यारत करवाऊँगा। और मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ दरगाह बाज़ार में, और जैसे मैंने आप लोग को बताया मेरा जो मकसद है, आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं आप लोग तक मैं ज़्यारत करवाऊँ दरगाहों की, औलिया अल्लाह की दरगाहों की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों की ज़्यारत कराऊँ। और मेरे चैनल पे आप बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही ब्लॉग के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोग को पूरा मैं सफ़र बताऊँगा कि अगर आप लोग को यहाँ से यूपी बरेली साइड आपको जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं बरेली में, और फरीदपुर ये साइड, तिलहर ये साइड में जा रहा हूँ शादी में। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ की जितनी भी दरगाहें हैं मैं कोशिश करूँगा मैं आप तक पहुँचाऊँ। भाई और बहनों, मैं अभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को मैं यूपी जाऊँगा और वहाँ से मैं जितने में दरगाहों की मैं ज़्यारत करवा पाऊँगा मैं आप लोग के लिए मैं ज़्यारत करवाऊँगा, आप लोग के लिए मैं व्लॉग्स बनाऊँगा वहाँ से इंशाल्लाह। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रुखसती ले रहे थे अजमेर दरगाह शरीफ से और हम रवाना होंगे अभी यूपी के लिए। और मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर और आने वाले और ब्लॉग्स के अंदर मैं आप लोग को यूपी के अंदर मैं दरगाहों की मैं ज़्यारतें करवाऊँगा। और जैसे आप लोग को पता है मैं यूपी के लिए मैं निकला हूँ अभी शादी में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा जितने मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ मैं आप लोग तक मैं ब्लॉग्स बनाऊँ और आप लोग तक मैं दरगाहों की मैं ज़्यारतें करवाऊँ। Thank you.
देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनें, यहाँ पे चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ये आप लोग के लिए सब आशिक़ ख्वाजा गरीब नवाज के लिए मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ। और जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ये जो चैनल है ये सब आप लोगों के लिए है चैनल। और मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ज़्यादातर कराऊँ मेरे व्लॉग्स के ज़रिए, क्योंकि सब लोग का तो पॉसिबल नहीं कि हर कोई आ पाए पूरा 365 दिन यहाँ रह पाए। बट हमारे मेरे व्लॉग के ज़रिए आप 365 दिन आप इंशाल्लाह दरबार के अंदर आप इंशाल्लाह पूरी ज़्यारत कर सकते हैं और व्लॉग्स के ज़रिए। और जब आप आते हैं यहाँ पे तब आप यहाँ पे भी ज़्यारत कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। और जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं यहां पे ये बरेली भुज आला हज़रत एक्सप्रेस ट्रेन है और यहां से हम अभी रवाना हो रहे हैं अजमेर शरीफ से। और ऑन द वे रास्ते में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं आप लोग को सब डिटेल से मैं आप लोग को बताते जाऊँगा। और यूपी साइड में जैसे मैं आप लोग को मैंने बताया, यूपी में जितनी भी दरगाहें मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत जितनी भी मैं कवर कर पाऊंगा थोड़े टाइम के लिए, हफ्ते भर के टाइम के लिए मैं जा रहा हूं, तो मैं जितना कवर कर पाऊंगा इंशाल्लाह मैं आप सब तक मैं इंशाल्लाह ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोग तक मैं पहुंचाता रहूंगा ब्लॉग्स। तो आप बने रहे मेरे चैनल के ऊपर, वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं अजमेर रेलवे स्टेशन और ये अभी सुबह के 6:10 है अभी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अजमेर रेलवे स्टेशन और ये जो आला हज़रत एक्सप्रेस है ये सुबह 6 की ट्रेन है और ये AC 3 टायर ट्रेन है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने आप लोग को डिटेल में बताया कि यहाँ से बरेली के लिए कौन सी गाड़ी जाती है अजमेर से बरेली। तो ये सुबह के 6 हैं अभी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया था अजमेर दरगाह शरीफ से मैं निकला था और मैं बरेली यूपी ट्रेन में अभी बैठ चुका हूं और अभी हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। और जैसे मैंने आप लोग को बताया, मेरा जो मकसद है मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों की मैं ज़्यारत कराऊँ, औली अल्लाह की जितनी भी दरगाहें हैं पूरे हिंदुस्तान में, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कवर करके आप लोग तक पहुँचाऊँ। इसी वक्त हम इस सफ़र में हम लोग हमारे भाइयों से मिले, हमारे फिरोज़ भाई हैं और उनकी पूरी फैमिली है, हमारे इमरान चेयरमैन साहब है नगर पंचायत ठेरिया से है, ठेरिया वहाँ से नगर पंचायत निजामत जी माशाल्लाह। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे अर्पित भाई है, अर्पित कपूर भाई और इरफान भाई, हमारे इरफान भाई सराय का दिन जी। और ये माशाल्लाह आशिक है, ख्वाजा गरीब नवाज है, हर दीवाने हैं, ख्वाजा के दीवाने हैं, ख्वाजा के यहाँ से हाजिरी देख के सारे लोग आ रहे हैं जी जी जी। बहुत मोहब्बत आती है उसके साथ जी, सारे लोग मोहब्बत और हर महीने दूसरे महीने हाजिरी का सरप्राइज होता है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे लोग जाते हैं और ख्वाजा की दुआ से सब कुछ अल्लाह का करम है। और आप लोग के कारोबार में इंशाल्लाह और बरकत हो। और हमारे ये चेयरमैन साहब है, इनके साथ में पूरी 15-20 लोग सब साथ में चेयरमैन साहब के साथ में ही चल रहे हैं, तो साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में नगर पंचायत इंतजाम का खिला हो रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और जब भी आए दरबार में इंशाल्लाह आप मेरे से मिलिए दरबार में, इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह आप लोगों से मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इधर तो मुलाकात ट्रेन में हुई है, हम लोग मुलाकात और करेंगे दरबार के अंदर, तो वो एक अलग अलग मुलाकात होगा इंशाल्लाह। दरबार में हाजिरी होगी साथ में माशाल्लाह, बहुत नूरानी चेहरा है आपका, नूरानी दाढ़ी है माशाल्लाह।
अमरोहा में। बताइए अमरोहा में कौन से पिच्छू वाली सरकार है? हाँ से पिच्छू पकड़ लो। हाँ हाथ काट कर नहीं। अच्छा जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम यूपी में अमरोहा नाम का ये शहर है, यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अभी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत कुछ था रास्ते में बताने के लिए, पर पॉसिबल नहीं था कि आपको हर एक स्टेशन का मैं बनाऊँ और बताऊँ कि क्या क्या आता है, कैसे आता है। तो इसलिए मैंने यही कोशिश किया कि मैं जो जो मेन मेन स्टेशन है, क्या क्या मेन है, तो मैं आप लोग तक मैं पहुंचाऊं व्लॉग के ज़रिए। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये अमरोहा स्टेशन है यहाँ पे, और अभी बज गए हैं शाम के 6 बजे और हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे, तो 12 घंटे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 2-2.5 घंटे और बचे हैं, तो 12.5-13 घंटे का सफ़र है ये बरेली के लिए अजमेर शरीफ से। और ये सुबह 6 बजे की जो ट्रेन निकलती है ये आला हज़रत एक्सप्रेस के नाम से, तो हम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यही व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दरगाह ज़ियारतों पे लेके जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अभी पहुंच गए हैं बरेली स्टेशन और यहाँ से अभी हम रवाना होंगे फरीदपुर की तरफ, क्योंकि शादी जो है फरीदपुर में, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं यही ब्लॉग के अंदर मैं आप सबको जितनी भी दरगाह है मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप तक सब तक पहुँचाऊँ। तो बने रहे आप मेरे इस ब्लॉग में और आखिरी तक देखें, स्किप ना करें। चलिए फैजो, और ये हमारे फैज मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, हमें लेने आए हैं। चलो दानिश बाबू को भी दिखा देता यार। दानिश बाबू, और ये हमारे दानिश मामू है। दानिश मामू आओ, हमारे ब्लॉग में आओगे आप। आई आई, हमें लेने आए हैं बरेली में, खास तौर पे हमें लेने आए हैं गाड़ी में पिक करने ये हमारे दानिश मामू, ये हमारे साले साहब है। पहले ब्लॉग्स में भी देखा आपने, मुंबई ब्लॉग्स के अंदर इन्होंने हमें बहुत हेल्प किया फैज ने ब्लॉग्स में, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह दरगाहों की ज्यारत पे लेके चलेंगे, तो आओ लेके चलता हूँ मैं आप लोग को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यहाँ पे बरेली का स्टेशन है और माशाल्लाह यहाँ पे एस्केलेटर की फैसिलिटी भी दे रखी है, और जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखा है। यहाँ पे ट्रेन तो बहुत डिले हो गई थी, आला हज़रत एक्सप्रेस 1.5 घंटा डिले थी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हमारा जो शेड्यूल था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गए उसके चक्कर में। ये देखिए बहुत यहाँ का माशाल्लाह स्टेशन बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग को पता है मैं यूपी बरेली के पास, ये फरीदपुर एक एरिया है जो 20 किलोमीटर दूर है, और हम आए हैं शादी में, हमारे रिश्तेदारों की शादी में आए हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोग को अभी मैं ज़ियारत पे लेके जाऊँगा, और हमारे दानिश भाई है, फैज़ मियाँ है, और नायब अंकल है। तो हम अभी अब जाएंगे ज़ियारत के ऊपर। तो नायब अंकल बताइए कौन कौन सी दरगाह है? ये नौ गज पीर, एक तो नौ गज पीर है दरगाह यहाँ पे फरीदपुर के अंदर पास है, रजब के पास, रजब के पास। ओके, और दूसरी वाली दरगाह नबी शाह भोड़ मियाँ दादा मियाँ, अहमद नबी शाह भोड़ वाले दादा मियाँ, अहमद नबी शाह भोड़ मियाँ दादा मियाँ नहर के पास। तो नहर के पास में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग को पता है मैं अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती, मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा दरगाहों पे लेके जाऊँ, ज्यारतें करवाऊँ। और मैं जैसे यहाँ पे शादी में आया था तो मैंने बोला आप लोग को मैं इंशाल्लाह ज्यारत पे लेके चलूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं, दानिश भाई फैज़ मियाँ है हमारे साथ में, हम साथ में चलेंगे, और मैं आप लोग को पूरा रास्ता भी दिखाऊंगा कि अगर आप फरीदपुर से यहाँ पे आते हैं, फरीदपुर से आपको कैसे जाना है इन दरगाहों के ऊपर, नौ गजा पीर और अहमद मियाँ, अहमद नबी शाह भोड़ वाले, अहमद नबी शाह भोड़ वाले। चलिए लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, और ये हमारे इनके घर के बच्चे हैं सब पीछे। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग पहले आप लोग को ज्यारत पे लेके जाएंगे नौ गज की दरगाह। नौ गज का मतलब है 8 मीटर, तो लगभग 8 मीटर बड़ी दरगाह है, उनकी जो मज़ार है वो 8 मीटर लंबी है ऐसे बताया जा रहा है। तो हमने सोचा हम आप लोग को उस दरगाह पे पहले लेके जाएंगे ज़ियारत कराने के लिए, फिर उसके बाद भुड़ बाबा जो है, अहमद बाबा है, अहमद मियाँ के नाम से, उनकी दरगाह पे लेके जाएंगे आप लोग को। और ये जो है दरगाह है, दोनों जो है फरीदपुर और बरेली के जो बीच में जो हाईवे आता है, उस हाईवे से एक रास्ता कटता है अंदर, ये जो आप लोग रास्ता देख पा रहे हैं यही रास्ता है वो, और मेन हाईवे से ये 2 किलोमीटर अंदर बता रहे। तो हम लोग अभी लगभग पहुंचने वाले हैं 9 गज पीर बाबा की दरगाह पे, वहाँ पे पहले हाजिरी पेश करेंगे, फिर इसके बाद आप लोग को भोड़ बाबा की दरगाह पे लेके जाएंगे। ये ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को ये दोनों दरगाहों की ज़ियारत करवाऊँगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोगों को बरेली के अंदर जितनी दरगाहें हैं, जितनी हम लोग ज़ियारत कर पाएंगे वक्त के अनुसार, इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़ियारतें करवाऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग लगभग पहुँच गए हैं, और ये खेत के बीचों बीच है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली जो दरगाह है 9 गज की जो दरगाह है, और यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए भी आए हुए हैं। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी खेत के बीचों बीच है यहाँ पे ये दरगाह, और 9 गज लंबी दरगाह है ये। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को मैं पहले ज़ियारत करवा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं वुजू बनाने के लिए यहाँ पे हैंडपम्प रखा हुआ है, थोड़ा हम लोग भी सवाब कमा लेते, थोड़ा आपको पानी दे के वुजू के लिए। शुक्रिया आप आ जाइए, बना लेते वुजू बना के, मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को मैं पहले ज़ियारत पे लेके चलता हूँ। 9 गज पीर बाबा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह खेत के बीचों बीच ये दरगाह बनी है, और माशाल्लाह इनका बुलावा है बाबा का, इसलिए हम पहुँच गए आज अजमेर शरीफ से आए हैं यहाँ पे। ज़ियारत आपको करवा देते हैं, 8 मीटर लंबी मज़ार है माशाल्लाह। पहले तो हम ज़ियारत कर लेते और यहाँ के खादिम साहब हैं, तो हम लोग खादिम साहब ज़ियारत करके आपसे हम आके बात करेंगे। आइए
मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है 9 अगस्त पीर बाबा की दरगाह। माशाल्लाह, मैं खुद पहली बार ऐसे दरगाह पे आया हूँ, तो इतनी लंबी मजार है माशाल्लाह, और क्या क्या करामात है बाबा के वो मैं आप लोग को बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या नाम है हजरत आपका? किधर आया? क्या नाम है हजरत आपका? आपका नाम क्या है? मुंडी भाई। मुंडी भाई है यहाँ पे, आप खिदमत गुजार रहे हैं यहाँ पे? देखिए आप यहाँ पे माशाल्लाह गरीब नवाज का फोटो है यहाँ पे माशाल्लाह। तो मैंने आप लोग को बताया जहाँ पे भी आप लोग जाएंगे अच्छी के खर्चा, तो मतलब आप लोग को हर कोना हर कोने कोने में मिलेगा पूरा हिंदुस्तान के अंदर। आइए खादिम साहब से बात कर लेते हैं। जी अगर के बीच में ये दरगाह है जंगल में, रकबा पड़ता है इसका रसोईया का। रसोईया? रसोईया जी जी। तो हम लोग अभी कहाँ रुके हुए? रसोईया फरीदपुर। फरीदपुर से और ये बरेली के बीच में जो बीच में है, बीच में से 2 किलोमीटर अंदर है। तो रसोईया मैंने पूरा रास्ता मैंने बताया कैसे आप इन लोग को किसी को अगर ज्यारत पे पहुँचना है यूपी में अगर आए रहे हैं ज्यारतों पे तो कैसे ये दरगाह पे। माशाल्लाह बहुत सुकून लग रहा है यहाँ बैठ के, माशाल्लाह बहुत सुकून है, ऐसे पेड़ बहुत सुकून लग रहा है माशाल्लाह यहाँ पे। अच्छी जगह है जी जी। और बाबा के ये इतनी लंबी मजार की हुई? हाँ, इतनी लंबी नूह सलाम के जमाने की मजार इतनी लंबी है बाबा माशाल्लाह। हाँ, और तीसरी पीढ़ी हमारी है यहाँ रहते थे हम लोग। हाँ, अभी हमारे भाई रहते थे वो गुजर गए। अच्छा, उसके बाद में बाप दादे सब हमारे ही गुजर गए। हम ही लोग सेवा करते हैं और ये हमारे भतीजे हैं मुन्ने मियाँ। अब हमारे बाद में ये सेवा करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हम लोग जैसे जो हुजूर गरीब नवाज के खादिम हैं, हम लोग 800 साल से हम लोग वहाँ पे, जैसे आप लोग 3 पीढ़ी, हम लोग 12-13 पीढ़ी से हम लोग गरीब हमारी पीढ़ी सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खादिम आप ही हैं तो आप ही मानते भी नहीं है। जी जी, हमारी परिवार को सेवा करने का कहीं मौका मिलता है, मौका मिलता है बिल्कुल माशाल्लाह। तो पूरा नाम क्या बताया आपने? हजरत नौगिया पीर। नौगिया? नौगुजा। अच्छा, हजरत 9 गज़ा पीर। तो 9 गज का मतलब 8 मीटर, 9 गज। तो यहाँ पे गांव के अंदर गज के हिसाब से चलता है, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से। नहीं नहीं यार, गज के हिसाब से देहात का मसला है। गज जी, देहात के हिसाब से गज। तो एक 9 गज होते हैं 8 मीटर के आस पास। 8 मीटर जिसमें आप लोग को माशाल्लाह दिखाया माशाल्लाह दरगाह 8 मीटर की दरगाह है। इतनी लंबी मजार अगर है तो वो खुद एक बड़ी करामात है की माशाल्लाह इतनी 8 मीटर की कोई मजार हो और इतनी बड़ी मजार, वो खुद ही एक करामात की बात है। करामात है, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ और सब सहयोग देते हैं यहाँ।
सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब 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 संप्रदाय के लोग माशाल्लाह यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं ज्यारत करने के लिए। तो आइए और भी क्या है यहाँ पे आस पास में? और कहीं नहीं है, ये हमारे मेंबर साहब हैं यादव महेंद्र यादव। महेंद्र जी कैसे? बढ़िया। ये महेंद्र यादव है, मेंबर है यहाँ के। आप मेंबर है दरगाह के यहाँ पे? अच्छा अच्छा। और अजमेर आए हैं कभी आप? अजमेर आइए कभी, हमसे मुलाकात करिए। हम लोग के दरगाह के अजमेर दरगाह अलगरी नवाज दरगाह के खादी में तो हम लोग ज्यारत पे आए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी दरगाह है, बहुत पुरानी है, देख सकते हैं पेड़, बहुत पुरानी पेड़ है। अच्छा ये अगर ये जो दरगाह है नौ गजा पीर, ये कितने साल पुरानी होगी? ये कम से कम ना तो मेरे ख्याल 2 साल पुरानी है। 2000 साल? 2000? बहुत पुरानी लगा है। इसको कोई ये बता ही नहीं सकता है कि हमने ना देखी। 2000 साल पुरानी दरगाह, मतलब बहुत बहुत ये बहुत ये तो खुद एक करामात है कि आज के जमाने में 2000 साल पुरानी दरगाह। आप लोग साल के आदमी यहाँ इंतकाल हो गया उनका जी जी, वो यही बता रहे हैं हमने ऐसी देखी थी जैसी है वैसी जैसी देखी। तो हमारे दादा खत्म है ऐसी बता रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इतने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने यहाँ पे दरगाह को देखा और वो एक दूसरे को बताते जाते हैं, जैसे आपकी पीढ़ी आप दूसरे आने वाली पीढ़ी को बताओगे तो फिर आगे वाली पीढ़ी को, तो ये बताया जाता है आप लोग बता रहे कि ये जो दरगाह है मजार है वैसे ही कैसी है? ये कोई नहीं बता सकता इसको कितनी पुरानी है, 50 साल उनके पिता इंतकाल हो गया, वो भी कहते थे हमने ऐसे ही देखी ऐसे ही देखी। तो आप बता रहे 2000 साल पुरानी दरगाह माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 9 गज पीर दरगाह फरीदपुर बरेली के बीच में जो रास्ता आता है 2 किलोमीटर अंदर, नौ कौन सी जगह बताए? रसोईया। यहाँ पे इस गांव के अंदर खेत के अंदर मैंने ये दरगाह की मैंने आप लोग को ज्यारत करवाई है और ये बता रहे कि ये 2000 साल पुरानी दरगाह है। तो माशाल्लाह ये खुद इसी के अंदर एक बड़ी करामत है कि ये 2000 साल पुरानी एक दरगाह आप लोग को जी जी जी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचेगा ये वीडियो और इंशाल्लाह लोग और आएंगे यहाँ पे, आप जाते हैं जी और आएंगे इंशाल्लाह हमारे चैनल के जरिए लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे दरगाह है। आप बताइए हजरत, आपका क्या नाम है? जावेद भाई, आपको कितना साल हो गया यहाँ पे आते हुए? आप पास में ही रहते? हाँ, आप लोग सब आस पास में ही रहते हैं यही गाँव में? ये आपके भाई ये इधर गाँव है सैदू गुरमान पुरमान। आपका क्या नाम है? रहमत। अच्छा रहमत, रहमत भाई आप कितने साल से आ रहे हैं दरगाह पे? हम तो जब से हमें छोटे से आपने कभी यहाँ पे कोई ऐसे करामात देखी है होते हुए यहाँ पे दरगाह करने आप इतना टाइम से आ रहे हैं? हमने तो ऐसे जी कभी आपने मन्नत मुरादे मांगी है यहाँ से? अल्लाह से हम लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह इनके जरिए, तो ऐसे अलिया अल्लाह की दरगाह से हम लोग दुआ मांगते हैं, तो कभी आपने दुआ मांगी तो पूरी कबूल हुई है? हाँ कबूल भाई आई। तो बताना चाहेंगे कोई ऐसी दुआ? भाई क्या नाम है भाई आपका? ये हमारे शकील भाई, आप भी यही गांव के सेलिया जी जी। तो बताइए ऐसा कुछ आपने कभी मन्नत मुराद मांगी हो जो यहाँ पे माशाल्लाह कबूल हुई है? हमने मन्नत मांगी पूरी हुई है और जो भी शख्स यहाँ आता है जी जी उसमें कभी ये कहा नहीं कि हमारी आज मन्नत पूरी ना हो, नहीं इंसान कहता है मन्नत पूरी हुई है। हम लोग तो मन्नत पूरी करने वाला अल्लाह है, औलिया अल्लाह के जरिए से दुआ हम लोग करते हैं, उनके जरिए से दुआएं कबूल हो। तो माशाल्लाह जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा सज्जाद नाम। ये सज्जाद भाई हम इनके साथ ही आए हैं अभी यहाँ पे, ये लेके आए हमको ज्यारत कराने के लिए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई हमें आप ज्यारत पे लेके आए यहाँ पे। तो भाई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मैं आप लोग को और दिखा देता हूँ, बाहर से पूरी दरगाह दिखा देता हूँ आप लोग को। भाई इधर से आ जाइए भाई, आप लोग भी आ जाइए। ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे से रास्ता है दरगाह शरीफ में जाने के लिए। पापा, मम्मी, पापा। पापा, मम्मी है।
ये लोग आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी की पूरी ये 8 मीटर बड़ी दरगाह है माशाल्लाह, 8 मीटर लंबी। और मैं आप लोग को बाहर से भी दिखा देता हूँ, ये क्या छोटा पीस छोटिया छोटे वाले। अच्छा इनके साहिबजादे बेटे इनके? छोटा पीर छोटिया पीर, यहाँ पे दरगाह भी है माशाल्लाह, बहुत छोटी सी। एक तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, एक तो माशाल्लाह 8 मीटर लंबी और एक माशाल्लाह ये एक मीटर के अंदर ही है दरगाह मजार शरीफ। आइए बाहर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप माशाल्लाह पूरा खेत के पीछों बीच, ये पूरी पूरी की पूरी खेत के बीच में बनी हुई ये 9 गज पीर दरगाह है। यहाँ पे देखिए एक और गेट आता है, यहाँ पे दरवाजा आता है अंदर, आइए दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं अजमेर दरगाह शरीफ का खादिम हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल है खादिम मोहम्मद चिश्ती। क्या नाम है यूट्यूब में आप बोलना, वॉइस डाल के खादिम मोहम्मद चिश्ती सामने आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल, तो आप भी ये चैनल पे आप आ जाओ। क्या नाम है चैनल का? खादिम मोहम्मद चिश्ती। चलो आइए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये शीट भी दे रहे हैं। हाँ भाई क्या बेच रहे हैं? शेरनी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे देखिए यहाँ पे ये शेरनी बेच रहे हैं, यहाँ पे तबर्रुक के हिसाब से भाई 20 रुपये, तो हम लोग 20 रुपये की शेरनी ले लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं तबर्रुक के तौर पे। 9 अगस्त की दरगाह पे हम लोग आए हैं, आप लोग को हमने ज्यारतें करवाई यहाँ की। और बूढ़ बाबा जो है अभी एक और दरगाह है बूढ़ बाबा की, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, अभी वहाँ ज्यारत करवाएंगे। तो यही ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोग को दोनों दरगाहों की ज्यारत करवाऊंगा। अजमेर दरगाह शरीफ से मैं निकला था आप लोग को ज्यारत करवाने के लिए, तो इसी दौरान आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे हम लोगों ने ज्यारत करी है, और अभी बूढ़ बाबा की दरगाह पे आप लोग को लेके चलूंगा। फिर आने वाले व्लॉग्स के अंदर इंशाल्लाह यूपी के अंदर जितने भी मेरे टाइम के हिसाब से मैं ज्यारतें करवा पाऊंगा आप लोगों को मैं करवाऊंगा दरगाहों की। इधर देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे हो गए। क्या नाम है भाई आपका? हाँ बिलाल भाई, कहाँ से हो? इधर से ही हो। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सब वीडियो बन रही है, तो इस हिसाब से लोग को भी इंटरेस्ट आ रहा है। ये बताइए एक बाबा की एक करामत बताइए। यहाँ पे नल था गाड़ी के पास में। अच्छा यहाँ पे सामने गाड़ी के पास नल था। नल जी जी जी। कोई रात में फिर ले गया था चोरी के लिए। चोरी चोरी के लिए। जी जी। तो उसके कोई भी दर्द भी आ गया कुछ भी आया तो गाड़ी के लाती में गया था, वो दूसरे दिन को लाती में था। अच्छा वो करामा देते कि मतलब नल चोरी करके गया वो वापस यहाँ पे, नल खुद अगली रात अपने आप खुद लगी हुई मिली इनको, लगी हुई मिली और किसी ने लगाई नहीं, वो अपने आप लगी हुई मिली इनको रात ही रात में। माशाल्लाह ये देखिए हमारे उसमें थे, ये तो हमारे थे। मैंने आप लोग को बताया ऐसे कोई दरगाह नहीं है माशाल्लाह जहाँ पे कुछ ना कुछ एकाध करामात ना हो, यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने जरूर यहाँ की करामात इन्होंने बता दी है। तो आइए बूढ़ बाबा के हम लोग दरगाह पे आप लोग को लेके चलते हैं, ये यहाँ के गाँव के जितने भी भाई है यहाँ पे। शुक्रिया भाई बहुत। मेरा चैनल का नाम है खादिम मोहम्मद चिश्ती, आप लोग यूट्यूब पे डालें, आप लोग ये वीडियो के जरिए आप लोग देख रहे हैं। ये शीरनी ले ली हमें, आइए चलते हैं अजमेर लौट के। अच्छा परसों में अजमेर में अपना गेस्ट हाउस है दरगाह के साथ में, 2 गेस्ट हाउस है माशाल्लाह गेस्ट हाउस और होटल है मामा। नंबर ले लेना आप कभी भी आइए, संपर्क करिए, आप कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग खादिम की दरगाह में अजमेर दरगाह के हर हफ्ते दूसरे हफ्ते में अजमेर का जो घूमन जाते रहते हैं। आइए फिर मिलिए इंशाल्लाह। नापा गया ना
9 बजे की तरफ नहीं यहाँ तो पूरी नहीं बैठी, कभी एक इंच ज़्यादा कभी एक इंच कम बैठती, पूरा नहीं बैठा मिला पूरी नहीं बैठी काम आते हैं। तो जब भी आप साथ में आओगे तो हर बार आप नहीं उसी साथ पहले ना नापा गया था नाप जी हाँ सुना था नापी तो कभी कम बैठती कभी ज़्यादा पड़ जाती है। जब दरगाह बनाने जा रहे नहीं बनी हुई थी बनी बहुत पुरानी है तो 2000 साल पुरानी हमने तो है हमारा तो बनी हुई है हमारा तो है सब। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जरूर मिलेंगे मोबाइल लेने ना नंबर ले लेते हैं मिलते जरूर होगा जी जी तो आइए दूसरी दरगाह पे मैं आप लोग को चलता हूँ वहाँ पे आप लोग को डिटेल से मैं बताता हूँ। तो मेरे प्यारे और भाई और बहनों ये जैसे मैंने आप लोग को बताया टोल गेट है यहाँ पे फरीदपुर और बरेली के बीच में जो रास्ता जाता है उसके यहाँ से ये रास्ता अंदर जा रहा है ये रास्ता जो जा रहा है अंदर ये साइड में है ये बुढ़ बाबा की जो दरगाह है और वहाँ पे जैसे ये दो दरगाहों के बारे में हमें पता चला है यहाँ पे कि दो दरगाह है तो उसकी हम आप लोग को ज़ियारत करवाएंगे। ये बाहर हाईवे है पूरा हाईवे से होते हुए कितना किलोमीटर होगा नानी मामू अंदर एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी में है अंदर तो आइए हम लोग आप लोग को अंदर तक लेके चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों हम लोग ये एक दूसरी दरगाह है बुढ़ बाबा की दरगाह आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पे खेतों के बीचों बीच यहाँ पे माशाल्लाह दरगाहें बनी है काफ़ी सारी यूपी के अंदर। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया मैं आप लोग को कोशिश करूँगा जितने टाइम देर के लिए मैं यहाँ पे यूपी में हूँ जब तक मैं आप लोग को मैं ज़्यारतें करवाऊँ जितनी भी दरगाहों की करवा सकूँगा मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह आप लोग को। ये देखिए पूरा ये खेत के बीचों बीच यहाँ पे ये दरगाह बनी है और अंदर से आप लोग को मैं एक बार अभी जाके और दिखा देता हूँ इंशाल्लाह ज़ियारत करवा देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ये देखिए हम लोग दरगाह शरीफ में आ गए हैं यहाँ पे बूढ़े बाबा की दरगाह है और मैं आप लोग को डिटेल से और बता देता हूँ यहाँ पे दरगाह के बारे में। तो माशाल्लाह ये वाली दरगाह है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले तो हम लोग आपको यहाँ का सनसेट दिखा देते हैं माशाल्लाह अभी बज रहे 5:05 और 5:05 में आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट है और ये दरगाह पे हम लोग आप लोग को लेके चलते हैं बूढ़ बाबा की दरगाह बूढ़ वाले बाबा आइए ज़ियारत पे चलते हैं अंधेरा हो जाए उससे पहले पहले हम आप लोग को ज़ियारत करवा देते हैं अंदर की। और यहाँ के जो खादिम साहब हैं खादिम सैयद रेहान अली के नाम से हैं यहाँ पे उनका आप यहाँ पे ज़ियारत करवाते होंगे यहाँ पे भाई। बूढ़े बाबा के यही है ना बूढ़े वाले बाबा आइए आइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ये खेतों के बीचों बीच यहाँ पे ये दरगाह बनी है बूढ़े वाले बाबा और यहाँ के खादिम साहब है खादिम सैयद रेहान जी जी जैसे मैंने आप लोग को बाहर बताया नाम हजरत का लिखा हुआ है खादिम साहब का एक बार हम लोग ज़ियारत कर लेते हैं ज़ियारत करके हम आपसे फिर बात करेंगे। आइए कई जी इनके वाले साहब हैं सैयद रेहान अली। अच्छा अच्छा पहले अंदर इनकी ज़ियारत कर लेते हैं आइए पहले ज़ियारत कर लेते हैं अंदर लाइट बंद है दरगाह शरीफ आप सैयद हजरत बूढ़ वाले दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह दादा मियां के नाम से भी ये मशहूर है यहाँ पे काफी मैंने काफी लोगों से यहाँ पे सुना फरीदपुर के अंदर बहुत पुरानी दरगाह। तो दादा 2 मिनट में आ रहा बस ज़ियारत कर लूँ और आता हूँ मैं। यहाँ पे लोग आप तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी दरगाह है काफी और ये बूढ़े वाले मियां
बूढ़े मियाँ की दरगाह है यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी गेट है, बहुत ही छोटा 3 फीट 4 फीट 3.5 फीट 4 फीट का दरवाज़ा है यहाँ पे। और ये सैयद हुजूर बूढ़े मियाँ की अब्बा जान उनकी दरगाह है यहाँ पे, ये खादिम सैयद सूफी अफसर अली। अच्छा, इनका नाम है खादिम सूफी, इधर आइए। हाँ, अफसर अली ये अंग्रेजों की हुकूमत से बैठते हुए चले आए। अच्छा अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के टाइम से। हाँ, अंग्रेजों की हुकूमत से। 122 साल की इनकी उम्र में पर्दा किया था। इनकी उम्र 122 साल की जब पर्दा किया, माशाल्लाह 122 साल जल्दी बता रहे हैं। आज के ज़माने में कोई 60-65 जी जाए वही बड़ी बात है, माशाल्लाह 122 साल के माशाल्लाह। और ये गुड़मिया के अब्बा है? ना ना ना, यहाँ पे बैठा कर रखी है। अच्छा अच्छा, बैठा करते हैं। पहले ककैया की तरह बनवाया ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा मजार शरीफ मस्जिद वहाँ मुसाफिर खाना यहीं ने बनवाया था, इन्होंने बनवाया था सारा। हाँ। मुसाफिर खाना भी है यहाँ पर, ना किसी से चंदा लिया ना किसी से। हाँ, मुसाफिर खाना के। हाँ, फायदा हुआ दिया। और आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे हो तो कहीं कम से कम 18-19 साल है। जी जी जी, यहाँ पे 18-19 साल यहाँ की खिदमत करते हुए। और अब्बा को पर्दा कर लिया, अब ये ख्वाजा मुद्दीन के चांद की 6 तारीख जो आने वाली है, ख्वाजा गरीब नवाज की। हाँ, एक साल हो जाएगी। इनका भी कुल शरीफ होगा यहाँ पे हर महीने, हर साल। अच्छा, उर्स के टाइम पे? उर्स टाइम पे, उसी पार साल जो था उसी में तो पर्दा फरमाया था आपने। अच्छा, तो 18 तारीख को है छठी, इंशाल्लाह जनवरी के 18 तारीख को। वो अंग्रेजी की नहीं मालूम, जैसे मुझे 6 तारीख की मालूम। तो यहाँ पे उस वक्त में क्या कुछ, उस वक्त यहाँ पे कुछ होता है उर्स के टाइम पे? यहाँ पे कुछ उर्स मनाया जाता है? यहाँ उर्स होता है इनका उसमें मई जून के अंदर। हाँ, इनका बहुत भारी उर्स होता है, मेले में जैसे झूले पूले जैसा अम्बाली उबाली वगैरह जलसा वगैरह सब होता है। अब इनका करेंगे जो रहेगा, शुरुआत होगी। मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ। अच्छा, खादिमों में अजमेर दरगाह का। अच्छा अच्छा, खादिम है आप? जी, मुजावर हूँ अजमेर दरगाह शरीफ। अच्छा अच्छा, तो हमारा तुम्हारा तो मामला एक ही है भैया। बिल्कुल, हम खिदमत गुजार हैं, हम दरबारे गरीब नवाज के अंदर माशाल्लाह। हाँ, तो मैं मेरे चैनल के जरिए मैं ज़्यादातर दरगाहों की, मैं और भी अजमेर दरगाह का तो मैं बनाता ही हूँ वीडियो, वहाँ के जितने भी प्रोग्राम है सब लोगों तक पहुँचाता हूँ, और भी जितने भी मज़ारे हैं जितने भी दरगाह हैं, मैं और इंशाल्लाह मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सबको मैं ज़्यारतें करवाऊँ। तो इसलिए मैं मेरे चैनल के ज़रिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कौन है? खादिम सैयद अफसर अली। अफसर अली ये हज़रत जो है जिन्होंने 122 साल की उम्र में पर्दा फरमाए थे, इनकी दरगाह यहाँ पे मज़ार शरीफ। और इनके लड़के का जो है सैयद रियान अली आप। अच्छा, इनके आप लड़के हैं? अच्छा माशाल्लाह, तो ये इनके औलादों में से, और ये यहाँ के खादिम हैं, खिदमत गुजार हैं यहाँ पे सैयद हुजूर बूढ़े मियाँ के। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ खड़े हैं आपका अदना गुलाम, कीजिए मकबूल वंदे का सलाम, खजाने में तुम्हारे किया नहीं मौजूद दादा, मेरे मुश्किल भी हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा दादा, खुदा के वास्ते भर दीजिए मेरी उम्मीद का दामन। बेशक माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को सैयद बूढ़े मियाँ की मैंने आप लोग को ज़्यारत करवाई यहाँ पे दरगाह शरीफ के अंदर, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोग को और ज़्यारतें करवाऊँगा। बरेली जाऊँगा, बरेली में जितनी भी दरगाह हैं वहाँ पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग तक सब तक मैं पहुँचाऊँ। ये हज़रत हमारे सैयद रेहान अली यहाँ के खिदमत गुजार हैं, इनके अब्बा सैयद अफसर अली जिनकी 122 साल की उम्र में इन्होंने पर्दा फरमाया था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये व्लॉग में मैंने आप लोग को दो दरगाहों की मैंने ज़्यारत करवाई, नौगज दरगाह और ये सैयद बूढ़े मियाँ की दरगाह, दोनों मैंने आप लोग को ज़्यारत करवाई। प्यारे भाई और बहनों, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद भाई मिले हमारे, और इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने हमें पहचाना, इन्होंने हमारे कोई वीडियोज़ देखे थे मुंबई के अंदर, हाजी मलंग का वीडियो, हाजी मलंग का वीडियो जो हमने बनाया था, वो बता रहे कि उन्होंने हमारा व्लॉग देखा, तो बहुत अच्छा लगा हमें कि माशाल्लाह यूपी में हम लोग आए हैं और हमारे कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमारा वीडियो, बिल्कुल अच्छा। जी जी जी, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर आप आ जाएंगे आप भी, ठीक, तो इंशाल्लाह आप शेयर करिए वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें वीडियो को। जी सर, ठीक है, चलो।
आइए खिला देते हैं सबको। आइए भाई बहुत बढ़िया गरम गरम ले लो अभी। तो अभी माशाल्लाह मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की अजान हो गई है और इंशाल्लाह अभी हम लोग रवाना होंगे घर के लिए। और इंशाल्लाह कल मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आप चैनल पे बने रहें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका क्या नाम है? हसनैन भाई। असलम। असलम भाई। यासीन। आपका नाम क्या है? कसमत भाई। हसनैन रहते थे। आप लोग यहीं से हैं आसपास? यहीं रहते हैं। आप आए अजमेर तो मिलिए, नंबर मैंने दे दिया भाई को। अच्छा, अजमेर शरीफ में मिलिए आप मेरे को, शादी में हम अजमेर दरगाह। कार्ड में लाना भूल गया ये टाइम। आप लोग को बस मैं अभी एक लास्ट का शॉट रोशनी के वक्त, अभी रोशनी जल जाएगी इंशाल्लाह मगरिब के बाद, यहाँ पे रोशनी जलती है तो रोशनी जलते ही मैं इंशाल्लाह आप लोग को मैं व्लॉग में थोड़ा शॉर्ट में और दिखा देता हूँ और फिर हम लोग रवाना होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को मैं फटाफट से ज़्यारत करवा देता हूँ। अभी रोशनी जल गई है यहाँ पे, रोशनी के साथ आप लोग को यहाँ पे जो रोशनी जलती है सोलर सिस्टम के साथ जलती है, जहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है वहाँ लाइट रोशनी जल जाती है। तो हज़रत गुड़ मियाँ की ये दरगाह है, मैंने आप लोग को ज़्यारत कराई, आप ज़्यारत कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोग को बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रोशनी का वक्त हो गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। इस ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को दो दरगाहों की ज़्यारत कराई, नौ गज़ दरगाह और हज़रत भूड़ मियाँ की जो दरगाह यहाँ पे मेरे पीछे जो हैं, मैंने आप लोगों को ये दोनों दरगाहों की ज़्यारत कराई। और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। ये आप लोग के लिए चैनल है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये चैनल प्योर आप लोग के लिए है। मैं जितने भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों की मैं ज़्यारत करवा पाऊँ। और मैं अभी यूपी आया हूँ हफ्ते भर के लिए, तो इंशाल्लाह मैं ये हफ्ते भर में जितनी भी दरगाहों की ज़्यारत करा पाऊँगा मैं इंशाल्लाह आप लोग को मैं कराऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मैं बहुत जल्द मिलूँगा मेरे अगले व्लॉग में। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।